नमस्कार दोस्तों, अब चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले, गोली चलाने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी अभी आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे, चारों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ मित्रों, आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में हमला किया गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि कल देर शाम चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चार युवकों को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है। इन युवकों के नाम लविस, आकाश और पोपट है। यह तीनों युवक रणखंडी गांव के रहने वाले हैं, वहीं एक युवक हरियाणा के करनाल के गांव गोंदर का रहने वाला है। आपको बता दें कि अब इनसे पूछताछ के बाद ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले को लेकर सभी खुलासे कर सकती है कि आखिरकार इन लोगों के पीछे कौन है, आखिरकार इन लोगों ने क्यों चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई है। फिलहाल इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और जैसे ही पूछताछ खत्म होगी तो पुलिस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देगी। आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहा था कि मैंने एक हमलावर को तो देखा है और मैं इसे पहचान भी लूंगा। इस हमले के बाद पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने जानलेवा हमले में इस्तेमाल की गई कार को मिरगपुर गांव से बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने जिस कार को बरामद किया उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR70D0278 नंबर है। इसके बाद आपको बता दें कि इस हमले को लेकर सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने कहा था कि यह घटना देवबंद पुलिस थाना क्षेत्र में यूनियन सर्कल के पास शाम करीब 5 बजे हुई। पुलिस की टीम और चंद्रशेखर के समर्थकों ने उन्हें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि अब लगातार जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह, उन्होंने पुलिस से बात की है। सहारनपुर पुलिस से बातचीत चल रही है और ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। धीरे धीरे पुलिस इनसे सब कुछ बातें वो जानेगी, जानने की कोशिश करेगी और आपको बता दें कि वो सब बातें बताएंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को कौन लोग मारना चाहते थे। क्या आपको बता दें कि चंद्रशेखर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए लोगों ने यह साजिश रची थी, वो खुद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी। धीरे धीरे सभी खुलासे होते रहेंगे। धन्यवाद।